बुलंद शहर के अनूप शहर गंगा घाट पर एनडीआरएफ ने किया लोगों को सिखाए आपदा के वक्त बचाव के तकनीक तरीके। तेज बहाव और गहरे पानी में डूब रहे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है, मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी गई। एनसीसी, सिविल डिफेंस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट गाइड, होम गार्ड और सभी विभागों सहित स्थानीय लोगों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। गंगा किनारे बसे क्षेत्र में हमेशा बना रहता है बाढ़ का खतरा। आपदा प्रबंधन की टीम ने शुरू किया जन जागरण कार्यक्रम। इसके तहत स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी भूकंप से बचाव और अन्य आपदाओं से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आग लगने के दौरान बचाव के तरीकों की जानकारी से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाने हैं। गाजियाबाद जिले से आए एनडीआरएफ कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी। तो आप कृपया करके ये कोशिश ना करें, जिन सूचना आती है ये जो प्रोफेशनल हैं ये उन्हीं के लिए है। कॉन्टैक्ट रेस्क्यू यानी उसका हेड को ऊपर रखते हुए जो थ्रो आउट उसका हेड है, जो विक्टिम का हेड थ्रो आउट ऊपर रहेगा उस टेक्निक से इसको बाहर लाया जा रहा है। और ऐसे में बहुत संभावना होती है कि जो विक्टिम है वो आपके ऊपर झपट सकता है, वो डर के मारे जब पानी में नीचे जाएगा तो उसे एश्योर करते चलना है कि तेरा कुछ हमारा कुछ नहीं होने देंगे और तुमको बचा लिया जाएगा। और उसका सिर थ्रो आउट ऊपर रहने देना चाहिए, एक बार भी अगर उसकी डुबकी लगी तो वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए जब भी आप हेड टू मेथड से किसी को लाते हैं उसका पानी से थ्रो आउट को बाहर रहना चाहिए। नेक्स्ट एक और विक्टिम है जो डूब रहा है, एक और विक्टिम डूब रहा है, यहाँ से रेस्क्यूअर चला जिसने घाट पर जो मौजूद था उसने देखा है। ये दूसरा टेक्निक दिखा रहा है, पहले आपको हेड टो दिखाई गई थी, ये चिन टो मेथड से लेकर आ रहा है। चिन यानी जो हमारी थोड़ी होती है उस थोड़ी को पकड़कर उसने उसका मुंह बाहर कर दिया है जिससे विक्टिम को एश्योरेंस है कि उसे लगातार सांस आती है। और दूसरे हाथ से वो स्विमिंग करता हुआ और पैर से जो फ्रॉक जंप है उसको फ्रॉक रस लेता हुआ विक्टिम उसको बाहर लेकर आ रहा है। ये दोनों ही टेक्निक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स के लिए जिन्हें स्विमिंग आती है। एक और विक्टिम और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आपने देखा रेस्क्यूअर ने इसमें डाइव नहीं मारा, रेस्क्यूअर ने पानी में जंप किया क्योंकि ऐसे में संभावना हो सकती है कि पानी मात्र कमर तक गहरा हो। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ जब तक पानी का सरफेस ना दिखाई दे कभी भी पानी में डाइव ना मारे। अगर पानी में आपने डाइव मारी और पानी कम हुआ तो फाइनल कॉर्ड फॉर श्योर वो चली जाएगी। ये तीन तरीके थे जिसमें रेस्क्यूअर को स्विमिंग आती है और वो कॉन्टैक्ट रेस्क्यू यानी विक्टिम को पकड़कर उसको बाहर निकालना है। ये तरीका तभी इस्तेमाल करें जब आप बहुत बेसलाम घाट पर जो बाढ़ प्रबंधन को लेकर मॉकड्रिल की गई है इससे क्या संदेश दिया गया है? ये जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें बृहद स्तर पर जितने भी डिपार्टमेंट्स डिजास्टर के टाइम में मौजूद होते हैं उन सभी को शामिल किया गया। और एक टेबल टॉप एक्सरसाइज 12 तारीख को हमने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभागार में, जिसमें सभी को रोल असाइन किए गए थे किसका क्या डिजास्टर एक्चुअल डिजास्टर होने पर रोल होता है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को ब्रीफ किया गया और उसी का आज यहाँ रिहर्सल किया गया कि हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट्स के काम हो सकते हैं। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद थे और सभी के द्वारा एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म दिखाया गया जिसमें वॉलेंटियर्स भी शामिल थे और जो जनता थी जो यहाँ का जनता है उन्होंने भी इसको विटनेस किया। कुल मिलाकर एक बहुत सफल सक्सेसफुल और बहुत अच्छी मॉक एक्सरसाइज थी। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम
बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छे लेवल पर मॉक ड्रिल की और सभी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिनसे यहाँ मौजूद हैं और इस जिन से हम मौजूद हैं, सभी अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अपना बेस्ट करने की कोशिश की। थैंक यू।